क्षेत्र में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब डीएम ने कमर कस ली है। जिला अधिकारी ने लाभार्थियों की पात्रता की जांच कराने का निर्णय लेते हुए 8 टीमों का गठन किया है जो जिले भर में योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करेंगे। बीते वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कई फर्जी बाड़े सामने आ चुके हैं। हाल यह है कि सचिव और अन्य अधिकारियों ने मिलकर पात्रों को आवास दिए हैं। शिकायत में जांच के बाद यह मामले खुले तो अब प्रशासन सतर्क हो गया है। इसके लिए अब डीएम ने वित्तीय वर्ष 2019 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयनित सभी 11 से 2 लाभार्थी की पात्रता जांचने के आदेश दिए हैं। इसके लिए कुल 8 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम ने 3 अधिकारियों को रखा गया है। 6 टीमें जहां एसडीएम की अध्यक्षता में गठित की गई हैं, वहीं 2 टीमों का जिम्मा अन्य अधिकारियों को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की सूची के साथ डीएम ने जांच टीमों को पत्र जारी किए हैं। यह टीमें गांव-गांव जाकर लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट देंगी। जांच के आदेश की खबर सुनकर प्रधान और सचिवों में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री आवास के सत्यापन के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। वे लाभार्थियों का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट देंगे। इससे आवासों में होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा।